हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों बड़ी मियां छोटी मियां स्टारिंग अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म सुपर डिजास्टर हो गई। मतलब 50 करोड़ पार करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इसकी फ्लॉप एक्चुअली क्यों हुई, बिकॉज द मूवी वॉज एक्चुअली बैड, तो इसकी वजह फ्लॉप हुई। इसमें कोई भी हीरो होता तो भी नहीं चलती, कोई भी दूसरे दो हीरो होते तो भी फिल्म नहीं चलती। द फिल्म वॉज वेरी बैड बाई अली अब्बास गफर, उन्होंने बहुत घटिया फिल्म बनाई। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में द ऑडियंस विल नॉट लाइक टू वॉच द सेम एक्टर अगेन एंड अगेन। एक्चुअली अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ मैं, उनको उनकी बहुत सारी फिल्में आती है इसके लिए उनकी फिल्में फ्लॉप होती है। द ऑडियंस विल नॉट लाइक टू गो एंड वॉच हिम अगेन एंड अगेन। उनकी कुछ सालों पहले कुछ चार पांच फिल्में, पांच छह फिल्में लाइन से हिट हो गई थी, वो बात अलग है। लेकिन नाउ द ऑडियंस डजंट लाइक टू वॉच एनी एक्टर अगेन एंड अगेन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शाहरुख खान की एग्जाम्पल देता हूँ। उनकी पठान ब्लॉकबस्टर हुई 500 करोड़, जवान ब्लॉक बस्टर हुई, और तीसरी फिल्म में उसको ओपनिंग भी नहीं लगी डंकी को। ऑडियंस विल गेट बोर्ड, एक हीरो को एक साल में तीन चार बार देखो दे गेट बोर्ड। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, दो ब्लॉक बस्टर के बाद तीसरी फिल्म को ओपनिंग तक नहीं मिली। इसलिए अक्षय कुमार की फिल्म तो धड़ाधड़ आती थी ना, हर दो महीने में एक फिल्म आती थी, तो द ऑडियंस गॉट बोर्ड। दैट्स द रीजन दे आर नॉट गोइंग टू थिएटर टू वॉच अक्षय कुमार फिल्म। तो आई थिंक ही शुड टेक अ लॉन्ग ब्रेक एंड बाउंस विद अ बैंग। ये एक जमाना था बच्चन साहब और राजेश खन्ना का, दिया ट्रू सुपरस्टार, ट्रू लेजेंड्स बोलते ना वही थे। उनकी बात अलग है, उनका स्टारडम अलग था। राजेश खन्ना की 17 फिल्में लाइन से सुपर डुपर हिट हुई थी, तो ऑडियंस उनको बार बार देखना चाहती थी। सेम विद बच्चन साहब, उन्होंने सालों साल आई थिंक 1973 से लेकर 1991 तक हर साल उनकी चार चार पांच फिल्में सुपर हिट होती थी, आती थी, और ऑडियंस गो टू वॉच हिज फिल्म। उनकी तो फ्लॉप फिल्म भी इतना बिजनेस करती थी, जो आज के हीरो की ब्लॉक बस्टर फिल्म होती वो उनकी और बच्चन साहब राजेश खन्ना की फ्लॉप फिल्मों का बिजनेस होता था। अब देखो कितनी राजेश खन्ना की और बच्चन साहब की फ्लॉप फिल्म, इट टू क्रिएट रिकॉर्ड्स एवरीवेयर। जो आज के जो एक्टर्स है उनकी ब्लॉक बस्टर फिल्म का जो रिकॉर्ड होता है वो उनकी फ्लॉप फिल्म का रिकॉर्ड होता था, कि उनका स्टारडम अलग लेवल का था राजेश खन्ना और बच्चन साहब का, तो वो लेवल तो कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो उनको लोग देखने जाते थे बार बार, और एक दौर था जब धर्म जी को भी लोग बार बार देखने जाते थे, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, ये सब एक्टर्स को लोग देखने जाते थे बार बार थिएटर के अंदर। साल में 3 फिल्में 4 फिल्में तो लोग जाते थे देखने के लिए। लेकिन आज के दौर के जितने भी स्टार्स है जो अपने आप को ए लिस्ट एक्टर्स बोलते हैं, उनको बार बार कोई देखने को नहीं जाएगा दोस्तों। तो शैतान आई सुपर हिट हुई, लेकिन मैदान देखने ऑडियंस तो बहुत कम गैप था, तो ऑडियंस देखने को नहीं, हालांकि फिल्म अच्छी फिल्म भी नहीं गई। सेम विद अक्षय कुमार, उनकी फिल्म लगातार आती रहती है तो लोग देखने को नहीं जाएगी। इट शुड टेक अ लॉन्ग ब्रेक, और बाद में आना चाहिए, धमाका मचाना चाहिए। ये शाहरुख खान ने 4 साल के बाद धमाका मचा तो फिल्म ब्लॉक बच गया। आप बोल गए, आमिर खान ने भी 4 साल के बाद कौन सी फिल्म लेके आए थे, कोई मंगल पांडे, तो उसको ओपनिंग तो तगड़ी मिली थी, लेकिन पिक्चर ही बंडल की तो भी क्या करेंगे। तो बार बार स्क्रीन पे आना, ऑडियंस गेट्स बोर्ड बिकॉज नो एक्टर कैन मैच द स्टारडम ऑफ द लेट ग्रेट सुपरस्टार राजेश खन्ना जी एंड ऑफकोर्स बच्चन साहब। इन दो का स्टारडम कोई मैच, कोई एक्टर कभी मैच नहीं कर पाएगा। उनको लोग बार बार लगातार देखते थे, उनकी घटिया से घटिया फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी और सिलीवली चलती थी। उनकी घटिया फिल्म के लिए भी लोगों ने पुलिस की मार खाई है, लेकिन आज की वैसा कोई एक्टर नहीं जिनको लगातार कोई फिल्म में जाकर साल में 3-4 बार देखे। तो आई थिंक दे शुड नॉट, आई थिंक अक्षय कुमार शुड लर्न अ लेसन एंड Stop doing a lot of films and take a break and bounce with a bang. Till then, keep watching my channel. About the matters, by saying goodbye, God bless all guys.